हाँ बस बस एक चलो20 lakh hours came from the first school, 27 lakh hours came from the second school, and that's how we reached this figure of 1 hour. And that question of 1 hour for the family, can also come to you? That's a good one. Thank you, Victor. I'm so glad to hear that. So we'll add that to the pledge. Yes, he's a patriot, so we follow the patriot. Great. Okay, great. So that's being added then to the number that Amit ji actually. There is a... In your card nowadays, you have to mention your blood group. So I think it's quite effective if you start saying in how many hours of social work you've done and what kind of social work. And, you know, till Bharat is completely swatch, I think one should continue with it, and once they're satisfied, you can stop. But I think it's very important. I think that's an excellent idea. Of course, we do use Amit ji for a number of social. Get all of those added up. Yeah, sure. Yeah, also in schools, report cards, I mean, what I have noticed is maximum participation you have are from children. What about their parents? I don't see people who are middle-aged or older really pledging this kind of social service to the country. I think it's very important to you. तो इसीलिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कैसे उनको बहुत ही कम बताया गया है स्वच्छता जो अपने सारे जीवन में का प्रचार करें उसका उपयोग करें, बच्चे जो उनको सिखाने वाले हैं वो सब पढ़ाई है। मोर देन 60-65% रेप्स लड़कों का उस समय हो रहे हैं जब वो टॉयलेट के लिए जा रहे हैं और के लिए जा रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत से जिसमें मैंने पढ़ा कि छह बहुएं घर छोड़ के मार्के चली गई, मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हमारे घर की बहू हमारे जो सम्मान का प्रतीक है, बहन बेटी बहू सम्मान की बात होती है ना। और बहुत से और उदाहरण आए मेरे सामने जहाँ पर जो बहू होने वाली है उसने माता पिता को कहा कि ब्याह तो मैं करूँगी लेकिन अगर पति जो है मेरे लिए घर के अंदर शौच नहीं बनवाएगा तो मैं ब्याह नहीं करूँगी। जी ऐसा था जरूर, हम इसके बारे में आके आपसे और डिटेल जरूर देंगे। जय जी, अगर आप इनमें से किसी से कुछ कहना चाहें। नहीं, मैं आप लोगों की तकलीफ को समझ सकती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम की वजह से आप लोग यहाँ आए हैं और आप जो बात कह रहे हैं इस तरह से आपके और भी बहनें जो दूसरे प्रदेश में हैं उनको भी आप प्रोत्साहन देंगी और वो भी आपकी तरह हिम्मत जताएं और खड़े हों और उससे फ़ायदा ही होगा। ये तो तकलीफ की वजह से आपको शक्ति मिली, तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, तकलीफ इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि डिसरिस्पेक्ट टू वेमेन, दिस इज डिसरिस्पेक्ट टू वेमेन। आप अपने घर में एक लड़की को ला रहे हैं, यू कांट प्रोवाइड अ बेसिक। You had many examples, as you know, Vikram, from the morning. Well, sir, just wanted to... If you don't do this to me, I'm not going to.
sad that it has come to this. जाजी आपके मन में है, आपके दिमाग में है, मगर भोपाल में तो नहीं है. मैं अभी पिछले हफ्ते भोपाल से लौटी हूँ और बहुत बार मैंने चेष्टा भी की कि कुछ कर सकूँ, मगर नहीं कर पाई. मेरे माता के घर के बाहर ही इतना बड़ा कूड़े का एक डब्बा पड़ा रहता है और उस डब्बे के सामने बच्चों का स्कूल है और इतनी गंदगी है, इतनी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं और मैं आपको बता नहीं सकती. और भोपाल में बस्तियों में बाहर लोग अभी भी शौच करते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है. माफ़ी चाहूँगी, मगर आप ज़रूर ध्यान दीजिए और अगली बार भोपाल आऊँ तो मैं आपको आके बताऊँगी कि नहीं नहीं आप बिल्कुल ऐसा आपने जो कहा मैंने स्वयं ये कहा, मैंने स्वयं ये कहा कि हर घर में शौचालय अभी नहीं है, ये बात सच है. इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हर घर में शौचालय हो, उसके लिए हम प्रेरित भी कर रहे हैं, उसके लिए फंड्स की बहुत से सारे बोर्ड्स आते हैं वहाँ, जरूरी है शौचालय. और वो कुछ कूड़े के जो डब्बे हैं जिसमें शौचालय का चलता है, ये बस्तियों में चल रहा है. हमारी झुग्गी झोपड़ी की आप जानते हैं, भोपाल को बचपन से आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में झोपड़ पट्टियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको भी व्यवस्थित करके उनमें भी टॉयलेट बन जाए. क्योंकि कई बार ऐसी असुविधा होती है कि इतनी जगह नहीं होती कि अलग से वहाँ टॉयलेट बन सके. और इसलिए कोशिश ये भी चल रही है कि झुग्गियों के स्थान पर कई जगह भोपाल में हम मल्टी स्टोरी बना के छोटा लेकिन एक पक्का मकान जिसमें टॉयलेट हो, वो भी हम अपने जो BPL फैमिलीज हैं उनको देने का प्रयास कर रहे हैं. और जिनके पास झुग्गी में स्थान है वहाँ उनके यहाँ टॉयलेट बन जाए, इसका अभियान भी हम लोग चला रहे हैं. और जहाँ तक भोपाल का सवाल है, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से स्वच्छ हो गया, लेकिन आप भोपाल के आने गुस्सों को देखेंगे और अगर तुलना करेंगे तो भोपाल बाकी शहरों की तुलना में स्वच्छ आपको नज़र आएगा, सुंदर भी नज़र आएगा, हरा भरा भी नज़र आएगा. ये दावा कोई नहीं कर सकता कि हर गली हमारी स्वच्छ हो गई, उसके लिए हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं. लेकिन अगर आप भोपाल और बाकी शहरों, भोपाल और दूसरे शहरों को देखेंगे तो भोपाल सुंदर और स्वच्छ और हरा भरा. प्लास्टिक आपकी इतनी सुंदर, इतना बढ़िया शहर है, मगर हर एक वैली में और जहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी रहती हैं, वो तो स्कूल के सामने कचरों की पेटियाँ रहती हैं बड़ी बड़ी, तो स्वच्छता की दृष्टि से जब आपके घर जाते हैं, एयरपोर्ट से अगर जाएंगे तो पॉलिटेक्निक मीडिया कॉलेज आपने देखा है पहले उनकी स्थिति क्या थी वहाँ की और आज स्थिति क्या है. अगर आप देखेंगे दोनों तरफ सुंदर पेंटिंग यहाँ के इंडिविजुअल्स ने, बच्चों ने किए हैं आगे और स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेके किए हैं. पहले दीवारें बंदी हुआ करती थी, कुछ भी लिखा हुआ करता था, कहीं भी कुछ पा रहा था. मैंने कह दिया मेरा क्या करना. शिवराज सिंह जी आप बताइए. दूसरे घर में जाऊंगी एक बात.